नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सनी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने फ़ोन में जियो सिम को 5G नेट में कैसे अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं, 5G नेट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन में जियो को 5G नेट में कैसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मेरा यहाँ पर 5G नेट आ चुका है, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर विजिबल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 5G नेट। ठीक है, तो आपको ये कैसे कैसे सेटिंग करनी है वही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का प्लीज एंड तक ध्यान से देखना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली एंड्रॉइड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे आपको यहाँ पे 5G सेटिंग करनी है। यहाँ पे 5G नेट की स्पीड भी आ रही है और नेट काफी तेज चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा जियो 5G। ठीक है, तो आपको ये कैसे इनेबल करना है और कैसे अपने फ़ोन में सेटिंग करनी है वो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, माई जियो एप्लीकेशन, वो आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हूँ। तो मैं सीधा माई जियो ऐप में क्लिक करता हूँ और माई जियो ऐप में जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आपके पास ओपन होकर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डेली यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, डाटा 1.50 GB यानी कि 1.5 GB डाटा मुझे डेली मिलता है, वो भी 5G की स्पीड में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5G अनलिमिटेड, यानी कि आपको यहाँ पे 5G जो डाटा है उस आपको अनलिमिटेड कैसे इनेबल करना है वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक जहाँ पे मोबाइल प्रीपेड ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउन यहाँ पे राइट साइड में देखना एक एरो को निशान दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सीधा क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ न्यू पेज इस तरीके से ओपन होकर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और स्क्रॉल डाउन करते हुए आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा 5G कवरेज चेक। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन में सीधा क्लिक कर लेने और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ न्यू पेज इस तरीके से ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी सिलेक्ट है, आप जो भी सिटी में रहते हैं आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन अपडेटेड टू जियो वेलकम ऑफर अनलॉक टू 5G नाउ। ठीक है, तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड में जैसे क्लिक करोगे आपके पास कुछ न्यू पेज इस तरीके से ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पे ये 5G को कंपेटेबल करा देगा, जियो वेलकम ऑफर इसने में आ गया है, हैंडसेट 5G कंपेटेबिलिटी ये भी डायरेक्टिक आ गया है। अगर आपके फ़ोन में जिसमें माई जियो एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट नाउ पे एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, अपडेट जैसे ही आप कर लोगे तो यहाँ पे एक बार ये चेक करेगा ये इस टाइम अपडेट आया है या नहीं, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, तो यानी कि अब ये अपडेट वर्जन है। ठीक है, तो फिर दोबारा से हम गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं और गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद यानी कि ये मेरा ऑलरेडी अपडेट है, तो यहाँ पे नीचे जो आई हैव अपडेटेड का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ग्रेट योर यू आर 5G रेडी, यानी कि मेरे जो सारे ऑप्शन है 5G का वो यहाँ पे टिक ऑन हो चुका है। यहाँ पे एक्सप्लोर ट्रू 5G में ऑन कर ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देगा आपको रेडीनेस, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ हूँ। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में 5G नेट को इनेबल कर सकते हैं। अब इसके बाद जब भी आप 5G नेट चलाओगे तो यहाँ पे आप देखना आपको 5G नेट की स्पीड आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा और आपका डाटा भी बहुत तेज़ी से रन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में 5G नेट को इनेबल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन उसके पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन 5G है या नहीं, अगर आपका फ़ोन 5G नहीं है तब ये सेटिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।